G20 के लिए दुल्हन की तरह क्यों सजी है दिल्ली? आखिर भारत को इस सम्मेलन से क्या मिलने वाला है? G20 सम्मेलन से भारत क्या चाहता है? क्या होगा जब एक मंच पर होंगे दुनिया के सबसे पावरफुल दुश्मन? देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 का शिखर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में करीब 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और कई वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स भी दिल्ली आएंगे, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक शामिल होंगे। आपको बता दें कि G20 सम्मेलन के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी भागीदारी होगी। भारत में इस सम्मेलन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दिल्ली को इन दिनों दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ लाइटें लगाई गई हैं, साफ सफाई और ग्रीनरी का खास ध्यान रखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है, G20 समिट में क्या है और भारत के लिए यह क्यों इतना खास है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है G20 सम्मेलन और इसके सदस्य कौन कौन से देश होते हैं। G20 की शुरुआत साल 1999 में हुआ। उस समय एशिया के देश वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, तब इस संगठन को बनाया गया ताकि वित्तीय संकट से निपटा जा सके। शुरुआती दौर में वित्त मंत्री और बैंकों से जुड़े अफसर इस ग्रुप का सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इस सम्मेलन की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार कर दिया गया और साल 2008 में इस ग्रुप को राष्ट्र प्रमुख के लेवल पर ले जाया गया और आर्थिक नीतियों से अलग और भी नीतियों पर इस सम्मेलन में चर्चा होने लगी। वर्तमान की बात करें तो पूरी दुनिया की 80% GDP इस ग्रुप से आता है, जबकि दुनिया की 2/3 इसी ग्रुप के सदस्य देशों में रहती है। G20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका, यूरोपीय संघ शामिल है। इनके अलावा कुछ देशों को स्पेशल इन्वाइट भेजा जाता है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस साल भारत में होने वाले G20 सम्मेलन का मुख्य 3 एजेंडे हैं: शेरपा ट्रैक, वित्तीय ट्रैक, सहभागी समूह। इन तीनों एजेंडों के तहत ही कृषि, भ्रष्टाचार, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, स्वास्थ्य और फाइनेंस से जुड़े मामलों पर अलग अलग ग्रुप के साथ गहन चर्चा की गई है। G20 देशों के यही कोर एरिया है जिन क्षेत्रों में आपसी संबंध स्थापित किए जाने हैं। पिछले एक साल में दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, भुवनेश्वर, वाराणसी, सिलीगुड़ी समेत अन्य शहरों में इन्हीं मसलों पर अलग अलग बैठकें हुई हैं। ये बैठक जब भारत में हो रही है तो इस दौरान दुनिया कई मुद्दों पर बटी हुई है। दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले देश एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन की मदद करने की वजह से रूस अमेरिका जैसे देशों से नाराज बताया जा रहा है, तो वहीं चीन और अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वार किसी से छिपा नहीं है, जबकि भारत भी चीन के साथ अपने सीमा मसले को सुलझाने में लगा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से ही भारत की विदेश नीति काफी चर्चा में है। इस दौरान G20 की अध्यक्षता मिलने से एजेंडा स्थापित करने का मौका मिल सकता है। भारत का रुख इन विषयों पर कैसा रहता है ये मायने रखेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी और भारत सरकार इस सम्मेलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो ये थी G20 सम्मेलन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।